मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे अलीगढ़ में आप पत्रकार बंधुओं को बैठने की व्यवस्था है, मैं निश्चित मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपको खैर के अंदर, क्योंकि मेरा जो प्रतिनिधित्व है वो खैर में ही है, तो मैं निश्चित आपके तहसील हेडक्वार्टर पे खैर के अंदर आपके लिए एक बढ़िया कार्यालय है। अपने कार्यकाल की तो मैं निश्चित गारंटी देता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। अलीगढ़ जिले की खैर तहसील में एक निजी स्थान पुष्प वाटिका में पत्रकार समिति खैर के तत्वावधान में कोरोना योद्धा एवं गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन कराया गया। इससे पाठ सकता नहीं है, खून जो मिला है श्रेष्ठ बलिदान का, और आठ होया सब मिल रहते हैं देशवासी, सब मिल रहते हैं देशवासी, आदर होता है यहाँ राम रहमान का, आठो याम सब मिल रहते हैं देशवासी। जिसमें कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकार और डॉक्टर्स की टीम को कोरोना अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अनूप प्रधान द्वारा जीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसमें जिले के अनेक बड़े पत्रकार शामिल हुए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आप सभी के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आप सभी के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन। और यहाँ पे जो हिंदू जागरण मंच का जो टेस्क लगाए, लगातार समाज की सेवा करते रहते हैं, ऐसे हमारे राजेश कुमार जी, आप सभी के चरणों में नमन और वंदन। जैसा कि पत्रकार समाज कल्याण समिति द्वारा जो ये कोरोना योद्धा एवं गौरव अवार्ड का जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, मैं पूरी पत्रकार समाज कल्याण समिति को हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा, जिन्होंने कोरोना में फ्रंटलाइन वर्कर काम किया, मैं समझता हूं कि इस कोरोना काल में जितनी महत्वता हमारे डॉक्टर्स की, सफाई कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की या समाज के अन्य अन्य लोगों की है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी भागीदारी में ईमानदारी के साथ कह रहा हूं तो हमारे पत्रकार बंधुओं की है। क्योंकि आपने कोरोना काल में इसको इतनी गंभीरता से दिखाया, सामने रखा कि अपने शरीर की, अपने परिवार की चिंता न करके आपने, चाहे कोविड का पेशेंट हो, चाहे कोविड के हॉस्पिटल में जाना हो, चाहे कोरोना से संबंधित कोई भी काम रहा हो, उसको आगे बढ़ करके आपने कवरेज देने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नहीं तो मैं समझता हूं कि जिनके परिवार में कोरोना हो गया या कोरोना जैसी संभावना थी, मैं समझता हूं अगर पति को हो गया तो पत्नी दूर जा रही थी, अगर बेटे को हो गया तो बहन दूर जा रही थी, पर उस स्थिति में आपने कंधे से कंधा मिलाकर के जिस तरह समाज के साथ आगे बढ़कर के पत्रकार बंधुओं ने काम किया, निश्चित तो बधाई के पात्र है। दूसरा, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे अलीगढ़ में आप पत्रकार बंधुओं को बैठने की व्यवस्था है, मैं निश्चित मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपको खैर के अंदर, क्योंकि मेरा जो प्रतिनिधित्व है वो खैर में ही है, तो मैं निश्चित आपके तहसील हेडक्वार्टर पे खैर के अंदर आपके लिए एक बढ़िया कार्यालय है। अपने कार्यकाल की तो मैं निश्चित गारंटी देता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। अच्छी जगह, अच्छा एक ऑफिस मैं रोड पे भी व्यवस्था करूंगा कि आपको दिया जाएगा, क्योंकि समाज में दबे हो, कुचले हो, शोषित हो, मन। कोरोना काल के चलते जिस समय लोग अपने घरों में मौजूद रहे, उस समय सेवा करते हुए डॉक्टर्स, पुलिस और पत्रकारों ने एक योद्धा की तरह काम किया था। उन सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन पुरुषोत्तम गर्ग द्वारा की गई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूरजभान बघेल रहे, जो कि पत्रकार कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शिवम गोयल के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।